हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो के अंदर ईवीएस के 15 चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले के सारे चैप्टर हैं वो मैंने अपलोड कर दिए, आप उनको जरूर देखना। विद सॉल्यूशन किए हैं उन सब चैप्टर्स की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां से ले लेना। और जो वीडियो है इससे पीछे के, उन वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप उन वीडियो को भी जरूर देख लेना एक बार। अगर आप वीडियो देखते हो तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है ईट वेन एवर यू वांट, ईट वेन एवर यू वांट। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है चैप्टर, देखते हैं। रीजन फॉर फूड स्पॉइलेज, बात कर रहा है कि फूड स्पॉइलेज के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो देखिए, द विंटर वेकेशन हैज जस्ट बिगन, हमारे विंटर वेकेशन अभी स्टार्ट हुए ही थे, विंटर वेकेशन है वो स्टार्ट हुए ही थे। सुयस एंड रेनू वर एक्साइटेड टू हियर दैट देयर पेरेंट्स विल टेक देम ए ग्रैंडफादर हाउस इन कोटा। अपन बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कि फूड स्पॉइलेज, फूड खराब क्यों होता है। तो देखो, बात कर रहे हैं कि विंटर वेकेशन हमारे शुरू हुए ही थे, सुयस और रेनू है वो बहुत एक्साइटेड थे। क्यों थे? क्योंकि उनको पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स उनको कहाँ ले जाने वाले थे वेकेशन के अंदर, ग्रैंडफादर के घर पे। ग्रैंडफादर का घर कहाँ था? कोटा के अंदर। तो कोटा जाने वाले थे वो इन वेकेशन के अंदर। एज इट इज ए लॉन्ग जर्नी, यह एक लंबी जर्नी थी। दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर ए ट्रेवल, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। मदर वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जिस दिन उनको यात्रा करनी थी उनकी मदर है वो सुबह जल्दी उठ गई। एंड प्रिपेयर ड्राई पोटेटो, वेजिटेबल्स, दाल एंड पूरी। उनकी मदर साथ ले जाने के लिए क्या तैयार करती है? ड्राई पोटेटो वेजिटेबल, मतलब सूखी आलू की सब्जी, दाल और पूरी। अलोंग विथ, इसके साथ साथ, दीज सी केप्ट सम पिकल एंड जैम इन द टिफिन, इसके साथ साथ वो क्या रखती है? कुछ पिकल्स एंड जैम टिफिन में रखती है। ए बिग वाटर बोतल वाज आल्सो केप्ट अलोंग साइड, और एक बड़ी वाटर बोतल साथ रख लेती है। तो वो साथ क्या लेते हैं? ड्राई पोटेटो वेजिटेबल लेते हैं, दाल लेते हैं, पूरी लेते हैं, और इसके साथ ही पिकल, जैम और टिफिन के अंदर ये सारी चीजें रख लेते हैं, और एक पानी की बोतल। दे ऑल स्टार्टेड देयर जर्नी एट 7 AM, वो अपनी यात्रा कब शुरू करते हैं? 7 AM, किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा यात्रा शुरू करते हैं। इन द ट्रेन वेंडर्स वर सेलिंग वेरियस फूड आइटम्स सच एज पोटेटो रोल्स, मिक्सचर्स, ETC। आपको पता है ट्रेन के अंदर बहुत सारे सामान बेचने वाले आते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारे सामान बेचने वाले थे। वेन दे चिल्ड्रेन इंस्टीड टू ईटिंग ऑल दिस, फादर एक्सप्लेन द मदर हेड प्रिपेयर वेरी टेस्टी एंड हेल्थी फूड। अब इन चीजों को देखकर वहां वेंडर आते हैं जो अलग अलग तरह की चीजें बेचते हैं, तो बच्चे उनको देखकर बोले कि हमें ये चाहिए। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि ये हेल्थी नहीं है, आपकी मदर है बहुत हेल्थी फूड बना के लाई है, अपन उसको खाएंगे। लेट अस ईट दैट फर्स्ट, पहले उसको खाएंगे। वेन मदर ओपन द टिफिन, और मदर ने क्या किया? टिफिन को ओपन किया। सी वाज अमेज्ड टू सी दैट द दाल वाज स्पॉइल्ड, जब भी जो ही मदर ने टिफिन को ओपन किया तो वो अमेज रह गए क्योंकि दाल है वो खराब हो चुकी थी। अब दाल क्यों खराब हो चुकी थी इसका कारण भी जानते, देखिए। रेनू आस्क्ड हर मदर, रेनू ने अपनी मदर से कहा, मदर व्हाई डिड द दाल गेट स्पॉइल्ड। तो मदर ने कहा, रेनू पूछती अपनी मदर से कि दाल स्पॉइल यानी खराब जल्दी क्यों हो गई। मदर टोल्ड हर, मदर ने कहा, डेट द दाल एट गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू एक्सेसिवली हॉट समर डे। तो मदर ने कहा कि समर डे के अंदर ज्यादा जल्दी दाल खराब हुई है। सी फर्दर सेड दैट सी शुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड दाल, उन्होंने कहा कि हमें दाल प्रिपेयर नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि दाल में क्या होता है? पानी ज्यादा होता है, और जिस चीज में पानी ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा, वो जल्दी खराब हमेशा होगी। ऑलवेज कंज्यूम फ्रेश फूड, हमेशा हमें फ्रेश फूड कंज्यूम करना चाहिए।
देखो थिंक एंड टेल, हाउ वुड यू मदर हैव कम टू नो दैट द दाल हैड स्पॉइल्ड। मदर को कैसे पता चला कि दाल खराब हो चुकी है? तो मदर को पता चला बाई फॉल स्मेल। अमंग ऑल फूड आइटम्स व्हाई डिड ओनली दाल गेट स्पॉइल्ड। इतने सारे फूड आइटम थे लेकिन दाल क्यों खराब हुई? बिकॉज देयर वाज मच वाटर इन द दाल, क्योंकि दाल में क्या था, ज्यादा पानी था। व्हाई डिड ड्राई पोटेटो वेजिटेबल नॉट स्पॉइल्ड। ड्राई पोटेटो की वेजिटेबल, वो सब्जी खराब, वो वेजिटेबल खराब क्यों नहीं हुई? क्योंकि बिकॉज इट वाज ड्राइड इन ए फ्राइंग इन ऑयल, क्योंकि वो किसमें थी, फ्राई की हुई थी ऑयल में और उसमें पानी भी कम था। इफ द हेड कंज्यूम ड्राई पोटेटो आफ्टर टू डे वुड रिमेन एडिबल बाय देम। दो दिन बाद में आप आलू ड्राई पोटेटो है उनको खाओगे तो क्या वो खाने लायक रहेंगे? नहीं। नो, इट वुड नॉट रिमेन एडिबल बाय देम। विच ऑफ दीज वुड नॉट बी स्पॉइल्ड इवन आफ्टर टू थ्री डेज? पिकल, पूरी, जैम, पूरी, पोटेटो वेजिटेबल। ये सारी चीजें हैं, जैसे पिकल है, पूरी है, जैम है, ड्राई पोटेटो है, वेजिटेबल है, सॉरी ड्राई पोटेटो वेजिटेबल है, इनमें से दो या तीन दिन तक कौन सी चीज खराब नहीं होगी? तो देखो पिकल और जैम जल्दी से खराब नहीं होते हैं। आगे देखिए, रेनू आस्क्ड हर मदर व्हाई पिकल सॉस एंड ड्राई पोटेटो वेजिटेबल नॉट हेड गेट स्पॉइल्ड इजीली एंड क्विकली। अब रेनू अपनी मदर से पूछती है कि पिकल है, सॉस है, ड्राई पोटेटो वेजिटेबल, ये जल्दी से खराब क्यों नहीं हुई? तो उसके पिताजी एक्सप्लेन करते हैं, फादर एक्सप्लेन दैट द पोटेटो हैड बीन प्रिपेयर्ड ड्राई एंड फ्राइंग देन इन ऑयल। वो उसके पिताजी बोलते हैं कि पोटेटो है वो ड्राई था और ऑयल के अंदर उसको फ्राई किया गया था। द प्रिपेयर्ड वेजिटेबल डिड नॉट कंटेन वाटर, ड्राई थी तो उसमें वाटर नहीं था। एंड ऑयल, साल्ट एंड विनेगर वाज प्रेजेंट इन द पिकल, और साल्ट और विनेगर पिकल में प्रेजेंट होता है जिससे वो जल्दी से खराब नहीं होती है। व्हाइल द सॉस कंटेंट प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट्स ड्यू टू विच दे डू नॉट पेरिश, और जो सॉस है उसके अंदर ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जिससे वो जल्दी खराब नहीं होता है। देखिए, गेट स्पॉइल्ड विद इन वन से टू डेज, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक दो दिन में खराब हो जाती हैं? तो दाल, वेजिटेबल, ब्रेड, पूरी, मिल्क, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। तीन से चार दिन के अंदर खराब होने वाली चीजें कर्ड, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल है। वन मंथ के अंदर खराब होने वाले देखो नमकीन, सॉस, पुलाव, आटा, लड्डू। डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इन वन ईयर, तो देखो ड्राई व्हीट राइस होते हैं ये एक साल तक खराब नहीं होते हैं। और स्टूडेंट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, याद कर लेना। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। हाइजीन फूड, हाइजीन फूड का मीन्स है कि साफ भोजन। ड्यूरिंग समर डेज फूड स्टार्ट पेरिसिंग क्विकली बिकॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेन एक्टिव। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समर डे के अंदर फूड जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है क्योंकि ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब समर डे के अंदर गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा रहता है और ज्यादा टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं, एक्टिव होते हैं, इसीलिए तो फ्रिज में खाना खराब नहीं होता क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर कम रहता है। To prevent food from getting spoiled, we keep it covered to a same cool place or in the refrigerator. और इसी से बचने के लिए अपन फूड को किस में रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम होता है इसलिए जल्दी से फूड खराब नहीं होता है। After some time, the vendor appeared again. कुछ देर बाद में वो ट्रेन में चल रहे हैं, ये सारी बातें ट्रेन में हो रही हैं। कुछ देर बाद में वो वेंडर वापिस आते हैं, ट्रेन में घूमते रहते हैं सामान बेचने के लिए। सुयस एंड रेनो अगेन स्टार्टेड स्टेटिंग टू ईट द स्टफ दे वर सेलिंग। अब क्या होता है, सुयस एंड रेनो है वो वापस स्टार्ट करते हैं उस चीजों को लेने के लिए। ऑन दिस फादर एक्सप्लेन दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग सच फूड पीपल डू नॉट पे अटेंशन ऑफ हाइजीन एंड क्लीनलेस, देयरफॉर
वी शुड नॉट ईट देम। अब वो बच्चे फिर उन चीजों को लेने के लिए जिद करते हैं, तो उनके पिताजी बोलते हैं कि जो ये चीजें बनाते हैं, जो बाहर से बेचने वाले आते हैं, वो खाना बनाते समय हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, और वो क्लीनलेस का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो इन चीजों के लिए अपन को बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता है। Which things regarding hygiene are kept in mind while preparing food in the kitchen at home? तो देखो, अपने घर पे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले है अपनी वेजिटेबल आर वॉश्ड वेल विथ क्लीन वाटर। सेकेंड है किचन इज क्लीन्ड वेल। थर्ड है हैंड्स आर वॉश्ड विथ सॉप। क्लीन एंड प्योर वाटर इज यूज टू प्रिपेयर द फूड। यूटेंसिल्स अपने हैं वो साफ होने चाहिए, और प्रिपेयर ईटेबल आर केप्ट कवरिंग देम वेल। तो ये सारे पॉइंट अपने घर पे अपन को ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेवल ऑफ हाइजीन एट प्लेस वेयर होटलर्स कार्टमैन एंड वेंडर्स प्रिपेयर फूड इवोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। इन पॉइंटों के आधार पर देखना है, वॉशिंग वेजिटेबल, मेंटेनिंग क्लीनलेस ऑफ द सराउंडिंग, वॉशिंग हैंड्स, वाटर बींग्स यूज, क्लीनलेस वेसल, वेदर फूड इज केप्ट कवर्ड और इन द ओपन। अब आप देखो कहीं अपने आसपास के अंदर जाओ और वहां पे एक चीज को नोटिस करो, कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल हो तो वो खाना बनाते हैं, तो आप नोटिस करो क्या वो सब्जियों को वॉश करते हैं, क्या वो साफ सफाई रखते हैं, क्या वो अपने चारों तरफ साफ सफाई रखते हैं, क्या अपने हाथ धोते हैं, वाटर जो यूज कर रहे हैं वो क्लीन है या नहीं है, जिसमें पानी है वो वेसल साफ है या नहीं है, चीजों को कवर करके रखते हैं या नहीं रखते। इन चीजों को नोटिस करना, फिर आपको पता चलेगा कि वो कितनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द फूड आइटम अवेलेबल इन द मार्केट न्यूट्रिशन और नॉट। जो मार्केट में चीजें उपलब्ध है वो न्यूट्रिशन है उसमें या नहीं है। फूड आइटम आर अवेलेबल इन द मार्केट मे बी न्यूट्रिशन और नॉट, इट डिपेंड ऑन देयर क्वालिटी एंड ओवर च्वाइस। ड्राई फ्रूट, फ्रूट वेजिटेबल, मिल्क आर जनरली न्यूट्रिशियस। देखो, मार्केट से जो चीजें लाते हैं वो न्यूट्रिशियस है या नहीं है, ये अपने उस फूड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे अपन मार्केट से ड्राई फ्रूट ला रहे हैं, मिल्क ला रहे हैं, वेजिटेबल ला रहे हैं, वो सारी चीजें न्यूट्रिशन वाली हैं। बट द कुक्ड वेजिटेबल, दाल, ब्रेड एंड अदर आइटम सोल्ड बाई होटल्स कार्टमैन वेंडर्स आर नॉट न्यूट्रिशियस। लेकिन इसके अलावा जो भी चीजें हैं, चाहे दाल लाएं चाहे ब्रेड लाएं, ये सारी चीजें हैं तो वो न्यूट्रिशन वाली नहीं होती हैं। डोंट वेस्ट फूड, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी ऑल दे में रीच ग्रैंडफादर हाउस। लंबी यात्रा के बाद में हम सारे काम पहुंच गए, ग्रैंडफादर के घर पे पहुंच गए। दे ऑल वर हैप्पी आफ्टर मीटिंग देम, सभी खुश थे एक दूसरे से मिलके। इन द इवनिंग दे रियलाइज करी एंड राइस, शाम को वहां पे क्या खाना बनता है, करी एंड राइस, लेडी फिंगर, चपाती, सलाद, डेजर्ट इटीसी। तो वहां पे देखो करी राइस बनता है, लेडी फिंगर की सब्जी बनती है, चपाती बनता है, सलाद होता है, डेजर्ट मिठाइयाँ वगैरह जो भी, तो ये सारी चीजें शाम को खाने में बनती है। बट द चिल्ड्रेन डूड नॉट कंज्यूम द इंटायर फूड ऑन देयर प्लेट एंड लेफ्ट ओवर फूड रिमेन अनईटन। बट बच्चों ने क्या किया, प्लेट में जो खाना डाला हुआ था वो पूरा नहीं खाया और कुछ खाना छोड़ दिया बिना खाए ही। सीइंग दिस, ये देखकर उसके उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बोलते हैं, वी शुड नॉट वेस्ट फूड, अपन को खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक द मच फूड और इन अवर प्लेट, वी फील टू एनफ सेटिस्फाई अवर हंगर। हमन को खाना वेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए, अपन को जितनी भूख हो उतना ही प्लेट में खाना डालना चाहिए। बाई दिस एक्शन और कंट्रीज फूड ग्रेन्स गेट सेव्ड, ऐसा करने से अपनी कंट्री का फूड है, अनाज है, वो बचेगा। नेक्स्ट है देखिए,
मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। देखो इन क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन है थिंक एंड टेल, इनके आंसर में पीडीएफ में डाल दूंगा, जो आप टेलीग्राम चैनल से देख लेना वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसलिए मैंने इसके आंसर यहाँ पे नहीं करवाए हैं थिंक एंड टेल। फूड प्रिजर्वेशन, इफ फूड वेजिटेबल एंड कुक्ड फूड आर केप्ट फॉर एन एक्सटेंड टाइम पीरियड। देखिए फ्रूट है, वेजिटेबल है, पका हुआ फूड है, एक्सटेंड इन टाइम पीरियड, जैसे जैसे टाइम निकलता है गेट स्पॉइल्ड, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, स्पॉइल्ड होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मोल्ड अकर विच पॉल्यूट सच फूड। अब जो फूड खराब होता है वो खराब क्यों होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो चीजों को खराब करते हैं। We become ill by consume such food, और हम बीमार होते हैं ऐसे फूड से। Even the refrigerator such food remains fresh just for some time। लेकिन refrigerator के अंदर अपन ऐसा food कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं, fresh रख सकते हैं। The prevent food from getting perished for a long time। ऐसे food को अपन preserve करके लंबे समय तक रख सकते हैं, लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। वी एडॉप्ट सेवरल मेजर्स सच एज एडिंग शुगर। अपन देखो फूड प्रिजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें शुगर ऐड कर देंगे, प्रिजर्व जैम, प्रिपेयरिंग सिरप, सिरप प्रिपेयरिंग पिकल बाय एडिंग विनेगर। देखिए शुगर मिला के अपन जैम को प्रिजर्व करते हैं, सिरप तैयार करते हैं, पिकल के अंदर अपन विनेगर डालते हैं, साल्ट डालते हैं, ऑयल डालते हैं, एंड लेडी फिंगर, क्लस्टर बीन्स, पोटेटो चिप्स, मिंट, फेंग्यूग्रीक ईटीसी आर ड्राइड इन सनलाइट एंड थस प्रिजर्वड। ऐसी चीजों को अपन सनलाइट में, देखो सनलाइट के अंदर ड्राई करके बहुत सारी चीजों को अपन स्टोर करते हैं। फूड पैक्ड इन टिन बॉक्सेज डज नॉट गेट स्पॉइल्ड एज इट इज एयर टाइट। टिन के बॉक्सेज आते हैं उनके अंदर फूड को अपन स्टोर करते हैं तो वो खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एयर टाइट कंटेनर होते हैं। फूड कैन आल्सो बी प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व फॉर ए एक्सटेंडेड टाइम पीरियड बाय द यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेशन। और अपन कई बार फूड को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल मेथड भी यूज करते हैं। ये टेबल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। पोटेटो चिप्स को कैसे अपन प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं, पोटेटो चिप्स को अपन सनलाइट में ड्राई करके, मैंगो पिकल को अपन ऑयल ऐड करके, क्लस्टर बीन को सनलाइट के अंदर ड्राई करके, ग्रीन पी को फ्रिज के अंदर रख के, फूड ग्रेन को बाय पुटिंग द केमिकल प्रिजर्वेशन। फूड ग्रेन के अंदर कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव मिला के अपन स्टोर कर सकते हैं। आफ्टर हैविंग फूड दे आर विजिटेड द चंबल गार्डन। और अब देखो उनकी बातें चल रही हैं, वो शाम को खाना खा लिया, अब वो क्या करते हैं, कोटा के अंदर चंबल गार्डन विजिट करने जाते हैं। ओवर देयर दे सा मेनी काइंड ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट जूस शॉप। वहां पे उन्होंने कई तरह की फ्रूट और फ्रूट जूस की शॉप देखी। सुयस वाज अमेज्ड टू सी एप्पल्स। सुयस वो अमेज हो गया क्या देखकर, एप्पल्स, कैरेट, चेरी इटीसी, एंड ही वंडर्ड टू सी दीज फ्रूट अवेलेबल इन समर टाइम। अब वो ये सोचता है कि ये फ्रूट समर टाइम में कैसे उपलब्ध हैं। तो ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट नाउएडेज ऑल टाइप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल आर अवेलेबल इन ऑल सीजन। अब उनके दादाजी बोलते हैं कि सारे लगभग फ्रूट और वेजिटेबल आजकल ऑल टाइम उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि उनको क्या कर लिया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है। If your village town, which types of vegetable are available within without season? तो देखो potato अपने आसपास चारों तरफ हमेशा मिल जाता है, carrot है, tomato है, onion है, etc. What is the reason behind the availability of carrots, green peas, onion and potatoes around the year? These items can be stored and preserved easily in cold store. ये सारी चीजें अपन को हर मौसम में, हर सीजन में कैसे मिल जाती हैं, क्योंकि उनको स्टोर किया जाता है कोल्ड स्टोरेज के अंदर।
फॉर हाउ मच टाइम कैन यू प्रिपेयर फूड आइटम कॉमनली अवेलेबल इन आवर हाउस आल्सो राइट देयर मेथड टू प्रिजर्व। अपने घर में कौन कौन से फूड लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं, उनको कैसे अपन स्टोर करते हैं, वो सारी चीजें आपको नीचे लिखनी है। तो नेक्स्ट देखिए, प्रिपेयर ए टेस्टी पाउडर कैसे कर सकते हैं। वाश 10-15 इंडियन गूसबेरी एंड ड्राई देम अप। 10-15 इंडियन गूसबेरी लीजिए और उनको सुखा लीजिए। ग्रेट देम अपॉन ए ग्रेटर, बारीक बारीक उसको पीसना है। ड्राई दीज ग्रेटेड गूसबेरी आफ्टर कवरिंग देम विद द क्लॉथ, थिन क्लॉथ, दीज विल ड्राई अप इन टू 1-2 डे। अब उनको पीसने के बाद में 1-2 दिन तक एक कपड़े पे सुखा दीजिए। ग्राइंड दीज ड्राई गूसबेरी, अब जो ड्राई हुई है उनको आप पीसना है आपको। एड इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द पाउडर, उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में क्या डालना है आपको, शुगर डालना है। जितना पाउडर आपका बना गूसबेरी का उतना ही शुगर उसमें एड करना है। एड साल्ट एंड क्यूमिन पाउडर ऑफ डिजायर, आपकी इच्छा के अनुसार उसमें नमक और जीरा पाउडर डाल सकते हैं। इंजॉय दिस टेस्टी पाउडर ऑल द ईयर अराउंड, अब इस टेस्टी पाउडर को आप पूरे साल यूज कर सकते हैं। तो ये तो चैप्टर था, ये क्वेश्चन आंसर है, आप सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना, मैंने सारे आंसर इसके अंदर लिख दिए हैं, देख लीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन है ये, और ये टेबल है जो पीछे आई थी उसके रिगार्डिंग एक टेबल है ये ग्रीन पी वगैरह कैसे प्रिजर्व किया जाता है उसके लिखी हुई है, सारी चीजें मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर। ये सारी टेबल याद करना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। व्हाट वी कैन डन अवॉइड वेस्ट ड्यूरिंग वेडिंग प्रिपरेशन रिसेप्शंस, तो इसका आंसर भी है बताएंगे अभी। देखो, विच मेथड वी डू अडॉप्ट प्रिजर्व फूड ऑफ लॉन्ग टाइम, तो ये आपके देखिए सारे के सारे क्या हैं, क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने कंप्लीट करके बता दिए हैं। ये चैप्टर अपना यहीं खत्म होता है। आप जो वीडियो देखते हो तो पूरा वीडियो देखते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, वीडियो को एक लाइक कर दिया करो, और टेलीग्राम चैनल है उस पर आप इसकी PDF ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।